हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सी लैंग्वेज में आज अपन देखेंगे मल्टीप्लिकेशन विदाउट साइन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना है पर विदाउट मल्टीप्लिकेशन साइन। ठीक है, विथ एडिशन थ्रू क्या देखेंगे अपन की डिफिनेशन फ्रेंड्स के है, राइट ए प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई यूजिंग एडिशन। एडिशन थ्रू अपन को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये आज प्रोग्राम आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने अगले दिन बोला था, अगले लेक्चर में बोला था कि जो इसके बाद अपन का लेक्चर होगा, मतलब जो प्रोग्राम होगा उसकी डिफिनेशन होगी राइट ए प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई यूजिंग एडिशन। मल्टीप्लिकेशन की साइन अपन को करनी नहीं है। ठीक है, मैं ये प्रोग्राम रन करता हूँ, देखो आउटपुट क्या आता है, बाद में मैं अपन का कोड दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये प्रोग्राम रन हुआ, मैंने इधर दे रहा 8। ठीक है, बाद में एंटर, ए इक्वल टू 8, बी इक्वल टू मैं डालता हूँ 9। ठीक है, वापस एंटर, कितना है फ्रेंड्स, 8 मल्टीप्लाई बाई 9, 72। फ्रेंड्स ये प्रोग्राम में मोस्ट इंपोर्टेंट किया है, मैंने मल्टीप्लिकेशन साइन किया नहीं है, विदाउट मल्टीप्लिकेशन साइन मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, वो आपको लॉजिक देखना है, सिर्फ क्या करना है, लॉजिक दिखना है और आपको प्रोग्राम ट्रेस करना है वॉच लिस्ट रख के। मैंने फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में देखा है कि अगला जो प्रोग्राम होगा वो मैं आपको सिर्फ प्रोग्राम दूंगा। ठीक है, आपको समझना है वॉच लिस्ट रख के, क्या करना है वॉच लिस्ट रख के। मैंने पूरा कोडिंग लिख दिया है, ये क्या किया है, मैंने पूरा कोडिंग राइट डाउन कर दिया। देखो फ्रेंड, ये इधर से मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या मैंने किया है वो। ठीक है, अपन का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इधर से स्टार्ट होता है। ठीक है, बाद में मैंने चार वेरिएबल लिया, ए बी आई एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एम यू मतलब मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 0 मैंने असाइन कर दिया, क्योंकि मेरे को 0 से उसकी वैल्यू असाइन करनी है, गार्बेज वैल्यू ना आए इसलिए। बाद में मैंने किया कि यूजर थ्रू दो वेरिएबल मैंने एंटर करवाया, ए एंड बी। बाद में मैंने इधर क्या किया है, ये मैंने मेरा लॉजिक लिखा है, क्या लिखा, लॉजिक, वो ही आपको देखना है सर ने क्या लॉजिक लिखा है। ठीक है, ये पूरे प्रोग्राम में फ्रेंड्स कहीं मल्टीप्लिकेशन साइन मैंने यूज ही नहीं किया, तो भी अपन का आउटपुट क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन। फ्रेंड्स ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रोग्राम आप सीखेंगे तो आपको लॉजिक नॉलेज बढ़ेगा, क्या फ्रेंड्स बढ़ेगा, लॉजिक बढ़ेगा। ठीक है, और कुछ एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, पर ये लॉजिक बढ़ाने वाला है फ्रेंड्स, ऐसे एक प्रोग्राम आप सीख लेंगे तो उसके अलावा आप 10 प्रोग्राम और कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो लॉजिक ही बढ़ाना है, तो लॉजिक कैसी तरह से बढ़ाना वो ऐसे प्रोग्राम में ही अपन सीख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें फ्रेंड्स और कुछ नहीं किया, बस सब्ट्रैक्शन एडिशन थ्रू ही करवाया, कहाँ सब्ट्रैक्शन करना और कहाँ एडिशन करना, कहाँ वेरिएबल स्किप करना, ठीक है, वो ही किया और कुछ किया नहीं। और आप फॉर लूप जानते हैं, फॉर लूप का फ्रेंड्स यूज किया है कि मल्टीपल इटरेशन आपको प्रिंट कराना है। ठीक है, तो मैंने वो ही करवाया और कुछ करवाया नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम में आप मैंने क्या किया फ्रेंड्स वो आपको बता देता, सपोज कोई माइनस वैल्यू डालता है, -8 मल्टीप्लाई बाय 7, तो भी अपन का आउटपुट तो होना ही चाहिए। ठीक है, वो तरीके से भी आपको बता दो, वो तरीके से भी अपना आउटपुट एकदम सही आएगा। ठीक है, सपोज आपने डाला -8, ठीक है, देन एंटर, सेकंड वैल्यू आपने डाला 10, ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, 80, -80। ठीक है, तो भी आ गए, वो भी लॉजिक मैंने अपना रखा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 8 मल्टीप्लाई बाई 10 करें 80 आएगा, माइनस लिखा तो भी 80 है, ऐसा नहीं किया, वो भी मैंने ये लॉजिक में इसमें लॉजिक राइट डाउन किया। आपको फ्रेंड्स चेक करना है, आपको सिर्फ चेक क्या करना है कि मैंने किसी तरह से लॉजिक लगाया है। ठीक है, आप फ्रेंड्स अगले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कैसी तरह से वॉच लिस्ट रखना। ठीक है, आपको क्या करना है फ्रेंड, वॉच लिस्ट ही सिर्फ रखना। फ्रेंड्स मैं आपको जल्दी जल्दी एक बार फिर से रिविजन कर देता हूँ, वॉच लिस्ट कैसी तरह से रखना। पहले क्या जाना, ये विंडो में, ठीक है, ये विंडो में फ्रेंड्स अभी थोड़ा ये विंडो में जाएंगे तो वॉच लिस्ट आएगा, ये थोड़ा प्रॉब्लम है C++ में, इसी ये नहीं हो रहा है, मेरे को इस क्वेट करके वापस करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ वापस कैसी तरह से वॉच लिस्ट रखना वो। ठीक है, ये अब चालू हो जाएगा, ये विंडो में जा, विंडो में इधर वॉच रखा है। ठीक है,
तो आप इधर वॉच लगा के आप दे सकते हैं। सपोज आपने इधर वॉच किसी तरह से लगाना, तो कि जितने वेरिएबल है उतने इधर पहले लगा देना, ठीक है, ए बी आई, ठीक है। बाद में क्या करना, आउटपुट की विंडो भी बाद में ले लेना, तो आप ये आउटपुट भी साथ साथ में ले सकते हैं। फ्रेंड ऐसा आ जाए तो आप टाइल करके तीनों तीन पार्ट भी आप देख सकते हैं, ठीक है, एकदम इजी और बढ़िया है, ठीक है। तो मैंने वैसी तरह से आपको अगले वीडियो में दिखाया था। फ्रेंड्स किसी को समझना है तो अपन का अगला वीडियो देख लेना, एकदम बढ़िया है, स्टेप बाय स्टेप मैंने उसमें दिखाया है, ठीक है। तो आज के प्रोग्राम में आपको वो ही दिखना है, किसी तरह से वॉच लिस्ट ऐड करना और प्रोग्राम ट्रेस करना, ठीक है। लॉजिक तो मैंने आपको दे दिया, लॉजिक आपको क्या करना है फ्रेंड्स, चेक करना है। क्या करना है, सिर्फ चेक करना है, ठीक है, और कुछ करना नहीं है। वापस में फ्रेंड्स आपको वही प्रोग्राम एक बार रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपको वॉच लिस्ट निकलना है तो भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें पूरे प्रोग्राम में फ्रेंड्स का मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं लिया है। क्या नहीं लिया, मल्टीप्लिकेशन साइन लिया नहीं है, तो भी मेरा आउटपुट क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। तो आपको ये लॉजिक सिर्फ चेक ही करना है, ठीक है। और फ्रेंड्स सपोज किसी को समझ में नहीं आए तो मेरे को बताना, कमेंट करना, मैं वापस आपको मैं मेरे तरफ से वॉच लिस्ट रखते ये पूरा लॉजिक पार्ट समझा दूंगा, कहाँ क्या किया है और क्यों किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलना, ठीक है फ्रेंड्स। अपन का लॉजिक बढ़ाने के लिए ये आप प्रोग्राम रन करना और देखना, ठीक है, और कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे को बताना, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।